नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम हुआ था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था एग्रोनॉमी का, सॉरी एग्रीकल्चर का, तो अपन आज उसके जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा आपका पेपर रहा, क्या रहा क्या नहीं रहा, इसके साथ में अपन बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है पेपर के अंदर, किस प्रकार का पेपर आया है, मेजर पोर्शंस क्या रहा। देखिए अगर अपन बेसिकली बात करते हैं आज के मॉर्निंग के पेपर की, जो ये पेपर है आप अगर तुलना करते हैं इस पेपर की 2021 में जो पेपर रहा था उसकी तुलना में काफी अच्छा पेपर रहा इस बार का। और ये जो पेपर है ये इजी भी था उसकी तुलना में, पिछली बार की तुलना में। तो जो भी बच्चे हैं सुबह जिससे पेपर खत्म होता है उस तभी से कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या आंसर की क्या आई, कौन कौन सी क्वेश्चन डाउट में है। तो देखिए एग्जैक्टली जो आंसर जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी, वो आपकी तभी पता लगेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। जितनी भी आप जहां पर भी अभी बात करते हो, जितनी भी अपन कट ऑफ की बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो कट ऑफ की अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए जैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं जो आज का पेपर रहा, ये जो पेपर है ये इजी भी था। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे इसके अंदर जो अपन मान सकते हैं कि लेवल वाले क्वेश्चन थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे जो इजीली सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छी वर्ष भर तैयारी की है अपने आज भी अच्छे बैच निकले इस बार के, जो आशा करते हैं यहीं से अच्छी अच्छी रैंके निकले जिस प्रकार से पिछली बार के बच्चों की रैंके लगी थी। तो अब बात डायरेक्ट करते हैं सबसे पहले कि अपन ये बातें चलती रहेगी, अपन बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो कट ऑफ के ऊपर अपन शुरू में बताता हूँ मैं आप लोगों को, तो जो प्री पीजी के अंदर जनरल या ओबीसी की जो कट ऑफ है ये लगभग सेम रिसीव रहती है। तो इस बार का अनुमान है कि जो कट ऑफ है जो पिछली बार जो कट ऑफ थी उससे कम से भी कम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आप प्लस करके चलिए उतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस बार की जो कट ऑफ है ये 60 के आसपास, 62 या 63 के आसपास जनरल ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर अपन बात करें ओबीसी के बाद में अपन जनरल के अलावा जो एसटी और एससी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए इसको ताकि अपने और भी बच्चे जुड़ जाएं। जो ओबीसी एसटी और एससी जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग मान के चलिए आप 50 से 55 क्वेश्चंस के बीच में रहने वाली है। तो अभी तो देखिए अभी तो बच्चों की आना बाकी है कि किसका कैसा पेपर हुआ, तो अपने एग्जैक्ट इतना बता नहीं सकते। जैसे ही अपन बच्चों से थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, उसके बाद में अपन फिर से एक बार लाइव आएंगे, तब अपन इस टॉपिक पे अच्छे से बात कर पाएंगे कट ऑफ के लिए। जो आपका आज का जो वीडियो है ये अपना है बेसिकली क्वेश्चन आंसर का, जो क्वेश्चन आए उसके आंसर की का। तो अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ जो अपने पिछली बार का जो बच्चे थे जिनमें अभी आप देखिए जो आज से जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस पीजी का एक अलग ही परचम रहता है। तो पिछली बार के जो बच्चे हैं जैसे दीपिका है, दीपेंद्र है, सचिन वगैरह, ये सभी अपने आरसीए के बच्चे हैं। तो आप आराम से पीडीएफ को देखना। अपन अब डायरेक्ट बात करते हैं अपने जो क्वेश्चन आंसर आपके जो पेपर आए हैं उसके आंसर्स की। तो जो आज का पेपर हुआ था प्री पीजी का उसमें मॉर्निंग के अंदर जो पेपर था एग्रीकल्चर के, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था कि देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये आया था कि जो तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, देखिए दोनों हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आया था आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में आपको डिफरेंशिएट पूछा था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो अपन ड्राइंग होता है ये अपन किसी भी चीज के अंदर करते हैं, इसमें अपन मॉइस्चर रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं इसके अंदर अपन? मॉइस्चर रिमूव करते हैं किसी, या तो सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड या लिक्विड के अंदर से। जबकि जो डिहाइड्रेशन है, देखिए डिहाइड्रेशन इंसानों में भी हो सकता है, इसके अंदर अपन नॉर्मली देखो बात करते हैं कि जैसे गर्मियां ज्यादा हो रही है तो डिहाइड्रेट बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बॉडी डिहाइड्रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अपने अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो यहीं से अपन देखो बेसिक, अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता डिहाइड्रेशन का, तो नॉर्मल कॉमन अपन वर्ड सुनते हैं डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, उसका मतलब क्या होता है कि बॉडी में से पानी की कमी हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे आया है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव, और अपना जो ड्राइंग था इसका मतलब होता है मॉइस्चर का रिमूव। तो जो पहला क्वेश्चन था इसका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर था। जो आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको वाटर का पोटेंशियल पूछा गया था कि जो प्योर वाटर होता है उसका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। तो जो वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। कितना
कितना होता है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का कितना होगा, जीरो होगा, तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट माना जाएगा। तीसरा आपका आया था कि इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन इन नॉन डिस्क्रिप्शन बफेलोज, द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर ब्रीडिंग, की ब्रीडिंग के लिए कौन सी अपन ब्रीड यूज करेंगे मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, तो इसके अंदर आंसर था मुर्रा। देखिए जो मुर्रा ब्रीड होती है नॉर्मली ये अपन किसके लिए यूज करते हैं, मिल्क इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और जैसे आपको टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि जो बॉटम हीट बॉक्स जनरली यूज, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका फिर से हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आया है। मैंने आपको जब पर्वन पढ़ाई थे ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको बताया था जो बीएचटी होती है बॉटम हीट टेक्नोलॉजी, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, बस उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन आया था बॉटम हीट बॉक्स जनरली किसके लिए यूज करते हैं, अपन जो कटिंग लेते हैं उसमें रूटिंग के लिए यूज लेते हैं, ये जो बोगेनविलिया वगैरह होते हैं मोस्टली बोगेनविलिया में यूज आता है। अपने मैंने जब पढ़ाया तभी अच्छे से क्वेश्चन अपन डिस्कशन भी किया था क्लास के अंदर, और वहीं से ये क्वेश्चन आ गया। जो बीएसटी होता है बॉटम हीट बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स दे दिया, बस इतना सा इन्होंने चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन आंसर आया था पांचवें क्वेश्चन का कि जो फर्स्ट एक्रिडेज है वो थिम्प में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका फर्स्ट एब्डोमल सेगमेंट में होगा। ये एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि अपने जो लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो टीचरों के आपने स्टेटस में भी देखा होगा कि जितने टीचर्स ने पढ़ाए हैं उन्हीं के नोट्स से मिले हैं। अभी जो एंटोमोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको नोट्स में से मिल जाएंगे हमारे बच्चों के। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बायोटेक में भी रिलेट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप हॉर्टिकल्चर में रिलेट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था कि जो फ्लेवर सावर जो वैरायटी होती है टोमेटो की, ये जो वैरायटी है ये किसके थ्रू डेवलप की गई है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज किया गया था, तो इसमें याद रखिए एंटीनेज आरएनए टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। इसके अंदर जो फ्लेवर सावर टोमेटो की वैरायटी है सेल्फ लाइफ इंक्रीजमेंट के लिए इसको अपन यूज में लेते हैं मोस्टली, तो ये क्या इसमें क्या मैकेनिज्म था, इसमें था एंटीनेज जो होते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ये इसमें मैकेनिज्म यूज करके इसको डेवलप किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट, कि अगर दो डिफरेंटली होते हैं जो होमोजाइगस अलग अलग प्लांट होते हैं उनके बीच में अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन F1 या हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, F1 या हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट ए टाइप ऑफ सोइल इरोजन यूज बाई वॉटर, कि इनमें से कौन सा इरोजन है जो वॉटर के अंदर अपन यूज में नहीं लेते, तो इसका जो राइट आंसर था वो पहला मानते हैं सेंडेंस, इसका राइट आंसर माना था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आया था कि द टेक्सोन सब क्लास एंड विद द सफिक्स, तो इसके अंदर इसका नंबर 4 माइसिटिडाई ये इसका राइट आंसर माना गया था, तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर यूज एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पूछा था कि वाटर यूज एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 इज बता अपॉन ईटी इसका राइट आंसर माना गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका पैथोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैरासिटोइड होते हैं पपाया मिली बग के वो कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफाई करने थे आपको, तो ये जो तीन थे तीनों के तीनों ही इसके अंदर पपाया मिली बग के पैरासिटोइड होते हैं आपको, तो इसके अंदर ये ऑल अबाउ इसका राइट आंसर था। ये तीनों थे तीनों के तीनों ही, याद रखना कि पपाया ये क्या होते हैं पैरासिटोइड होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर, ये देखिए ये मैंने क्लास में कितनी बार बताया होगा क्वेश्चंस को कि जो अपन जो कट फ्लावर होते हैं जो वेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए कि ए प्री स्टोरेज एंड प्री शिपिंग स्टोर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर कट फ्लावर ऑफ लॉन्ग और डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज, ये जो क्वेश्चन है ये जो अपने कट फ्लावर है उनके अंदर अपन जो उनकी वेज लाइफ इंक्रीज करते हैं तो उन वहां से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है,
बस लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग था। क्वेश्चन का आंसर वो कब ही जाएगा, पल्सिंग अपन जो बोलते हैं, जो अपन सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाते हैं इनकी वेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए, वही क्वेश्चन पूछा था। बस चेंजेस इन्होंने क्या कर दिए कि इनको थोड़े से, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उसको चेंज कर दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग का क्वेश्चन था। इस बार ब्रीडिंग के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन जितना रेशो पूछना चाहिए था उतना नहीं आया, बट फिर भी ठीक क्वेश्चन थे। तो इनका पहला क्वेश्चन यहाँ से आया था कि साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मेरिस्टेलिटी जो होती है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी। तो इसकी डिस्कवरी है ये जॉन्स एंस डेविस ने 1944 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसका जो 13वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था टेरोमेटिक इंसेमिनेशन इज ऑब्जर्व इन विच फैमिली, आपको फैमिली बतानी थी जिनके अंदर टेरोमेटिक इंसेमिनेशन होता है। तो इसकी थी सेमिसाइड, ये इसकी जो फैमिली है इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था कि द मोस्ट एबंडेंट प्राइमरी मिनरल आर क्वार्ट्ज एंड, एक तो आपको क्वार्ट्ज था इसके साथ में ही और कौन सा इसके अंदर मोस्टली पाया जाता है। तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वार्ट्ज के साथ के अंदर अपन बात करते हैं कि कौन सा मिनरल होगा, तो फ्लेट स्पार इसके अंदर मिनरल पाया जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं कि मेज इन मेज ग्रुप ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रिड लाइन एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज, कि जो मेज के अंदर दो इनब्रिड लाइन का पूछा गया था आपसे और जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज है इनके अंदर आपस में जो क्रॉस करवाएंगे इनको अपन किस नाम से जानते हैं। तो ये अपन टॉप क्रॉस बोलते हैं इसको, कौन सा क्रॉस बोलेंगे इसको अपन टॉप क्रॉस बोलते हैं। तो आपका 16 में आंसर जाएगा टॉप क्रॉस। नेक्स्ट फिर से देखिए, इस बार जो वर्टिकल्स से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक चीज पूछी गई थी कि जो केनिंग करते हैं अपन, केनिंग के अंदर आपको पता है मोस्टली अपन जो केन यूज में लेते हैं, ये जो केन यूज में लेते हैं अपन ये कौन से होने चाहिए। केन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एसिड रेजिस्टेंट और एक होते हैं सल्फर रेजिस्टेंट। तो आपको पता होना जितने भी फ्रूट होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिड कंटेनिंग होते हैं। तो अपन एसिड जितने भी फ्रूट होते हैं उनके लिए अगर कौन सा केन यूज में लेते हैं, एसिड रेजिस्टेंट केन यूज में लेना चाहिए, क्योंकि ये टिपिकली कैसे होते हैं जितने फ्रूट होते हैं वो नेचुरली एसिड होते हैं। इसलिए इनका जो केनिंग करते हैं अपन, जब इनका अपन लास्ट के अंदर इनको केनिंग के अंदर बॉक्स में पैकिंग करते हैं तब कौन से केन लेनी चाहिए अपने को, एसिड रेजिस्टेंट लिक्विड केन लेनी चाहिए अपने को। तो इसका बहुत अच्छा आंसर है। देखिए यहाँ पे फ्रूट ना देखे, अगर डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लेता कि फ्रूट के लिए कौन सा यूज करते हैं तो बच्चे 100% बच्चे हैं वो सही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, नाम डाल दिया स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी तो फ्रूट होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, एसिड रेजिस्टेंट कैंस जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। 18 आपका पीपीएस वाई सी क्वेश्चन आया था कि जो नेट एटीपी प्रोडक्शन होता है इसके अंदर एनएरबी रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी चाहिए, नेट प्रोडक्शन कितना होगा एटीपी का। तो इसके अंदर याद रखना इसमें केवल 2 एटीपी का होगा, कितना होगा इसमें 2 एटीपी का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन आया था कि व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, अगर आपकी जो टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम हो जाएगी तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो कितनी रहेगी, बन जाएगी आपकी जीरो, कितनी रहेगी इसके अंदर जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाबे रोग, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका प्लांटेशन से आया है, कहाँ से पूछा है इन्होंने, ये आपका प्लांटेशन क्रॉप से क्वेश्चन पूछा है। और ये जो डिजीज होती है इसको अपन फूड रोट डिजीज भी बोलते हैं, ये एरिका नट या जो सुपारी होती है अरेका कटेचू इसके अंदर मोस्टली अपने को देखने को मिलती है। तो ये किसकी डिजीज थी, ये अरेका कटेचू की डिजीज आपसे पूछी गई थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था इकोनॉमिक्स का, और जो क्वेश्चन था कि जो अंडर लॉ ऑफ डिमांड ये आपको बताया थी इसकी डिमांड का पूछा था। तो ये तीनों ही इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
क्वालिटी एंड डिमांड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी डिमांड। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही थे, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि ट्रेंचिंग अराउंड ग्राउंड एंड फील्ड इज ए डन इन चेक द अटैक ऑफ, ये आपको पूछा गया था। तो ये किसके लिए करते हैं अपन ट्रेन, जैसे कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जो ग्राउंड नट का फील्ड होता है इसके चारों ओर अपन एक ट्रेंच या डिक्की तरीके से खोद देते हैं, वो किसके अटैक से बचाने के लिए रोकने के लिए करते हैं अपन, रेड हेयर कैटरपिलर। रेड हेयर कैटरपिलर से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं अपन एक ट्रेंच का ट्रेंच जैसे खोद देते हैं जिससे ये अपना कंट्रोल हो सके। लेकिन फिर से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका हॉर्टिकल्चर से ही क्वेश्चन आया था कि आपको इसमें से एक एरोमेटिक प्लांट चूज करना है। देखो आप जब भी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो इनमें से तीन तो मेडिसिनल प्लांट है और एक आपका एरोमेटिक प्लांट है। तो देखो डिल हो गया, फोक्स ग्लो हो गया, हेनबेन हो गया, ये तीनों के तीनों आपके मेडिसिनल प्लांट है। कौन से हैं ये तीनों के तीनों आपके मेडिसिनल प्लांट रहेंगे, जबकि एरोमेटिक प्लांट कौन सा है, दवाना, ये आपका एरोमेटिक प्लांट है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार हॉर्टिकल्चर से आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच फंजीसाइड इज हाइली स्पेसिफिक टुवार्ड द ओमाइसिट्री फंजाई, इसमें आपसे क्वेश्चन में आया था ये हाइली स्पेसिफिक कौन सा होता है, तो मेटालेक्स जो होता है ये आपका हाइली जो फंजीसाइड होता है ये हाइली स्पेसिफिक होता है, किसके अगेंस्ट होता है, ओमाइसिट्रीज फंजाई के अगेंस्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंजर्वेशन मेजर्स इज नॉट एन एग्रोनॉमिकल मेजर्स, कि आपको क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर आपको ये कंट्रोल ट्रेंचेज इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन आ रहा था कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका एकदम राइट आंसर है ये, अपन जो ट्रिपल एस सोइल साइंस की बुक आती है उससे कंसल्ट करके अपन इसका आंसर दिया है यहाँ पे कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंजर्वेशन मेजर्स नॉट एन एग्रोमेट्रिक मेजर, इसका राइट आंसर जाएगा कंटूर ट्रेंचेज। ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ये जो ट्रिपल एस की बुक आती है वहां से हमने कंसल्ट किया था। चलिए अगली जो क्वेश्चन है वो है कि डोग्राइट जो रूट स्टॉक है वो इनमें से कौन से फ्रूट का है, ये देख रूट स्टॉक होता है डोग्राइट, फिर से यही हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, तो ये ग्रेप का रूट स्टॉक होता है। किसका रूट स्टॉक है, ये ग्रेप का रूट स्टॉक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से आपको। देखिए बहुत ही इस बार जो एग्रो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज्यादा इजी, अपने इजी क्वेश्चन आए थे एग्रीनॉमी के जो क्वेश्चन आए थे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था कि जो क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन जो मक्का होता है ये नॉर्मल मक्के से किस चीज के अंदर हाई होता है, तो किस में हाई होता है, ये लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन में इसमें हाई होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए 28 क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन से क्वेश्चन आया था कि जो एस एम आर और सी जो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का ये किसने दिया था, तो ये जो किसने दिया था, ये डेविड बेरलो ने ये आपका मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन आया था कि द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल प्रैक्टिसेस फ्रॉम ए टू बी होरिजन ऑफ ए सोइल प्रोड्यूसिंग इन बी होरिजन रिलेटिव इन क्ले इज नॉन एज, ये जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर आपका राइट आंसर आया था लेसीवेज, इसका राइट आंसर है। सोइल साइंस का क्वेश्चन आया था आपके, इस बार सोइल के काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज यूजफुल चूजिंग क्रॉप पैटर्न, आपको चार प्रकार के फोरकास्टिंग रीजंस दिए थे, इसके अंदर एक था न्यू, एक था शॉर्ट, एक था मीडियम, एक था लॉन्ग रेंज। तो हमेशा याद रखिए आपको क्या यूज करना, क्या चूज करना है, क्रॉपिंग पैटर्न। और क्रॉपिंग पैटर्न नॉर्मली एक सीजन की नहीं होती, क्रॉपिंग पैटर्न लंबे ड्यूरेशन की चीज होती है, तो इसके अंदर लॉन्ग रेंज का जो वेदर फोरकास्टिंग था वो आपका राइट माना जाएगा। इसका आंसर सही क्या माना जाएगा, तीन आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन,
ये आपको लर्निंग सिचुएशन के एलिमेंट से ही राइट आपको सीक्वेंस में बताने थे कौन कौन से। तो इसमें टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज एंड लर्नर, ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 32 कि ए रॉन्ग डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस लीड टू, इसके अंदर था टू काइंड ऑफ एरर। ये आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया था, इस बार स्टैटिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे आपके। ये देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक मेथड होता है ये, अपन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किसके अंदर यूज में लेते हैं, तो मोस्टली अपन ये कॉटन किसमें यूज में लेते हैं, कॉटन के अंदर मोस्टली अपन यूज में लेते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था, अपन जब से बीएससी में, ट्वेल्थ में, जेट में सभी जगह पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा जो ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग एजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट यूजफुल होता है, सबको पता है कौन सा होगा इसके अंदर, पोटेशियम। कौन सा होगा इसके अंदर, पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन आर, इसके अंदर आपको वही वापस था कि एलिमेंट बताने थे डिफ्यूजन के, तो इसके अंदर कौन से होंगे, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, चैनल्स, टाइम एंड सोशल टाइम्स, इसका चौथा आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ईयर कोकल जो डिजीज लगती है वीट के अंदर, ये किसके लिए है, तो इसके अंदर ये याद रखना ये दोनों से होती है, ये नेमेटोड एंड बैक्टीरिया दोनों की वजह से डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टेक्नोलॉजी टू मैनेज स्पेशियल एंड टेम्पररी वेरिएबिलिटी एसोसिएट विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो इसमें आप इंटीग्रेटेड आया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग आया था, प्रिसीजन फार्मिंग आया था, जूम फार्मिंग आया था, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर प्रिसीजन फार्मिंग एकदम राइट आंसर जाएगा, इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि एक्वापोरिन फैसिलिटीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एक्वोरियंस आर, इसका जो आंसर था ये आपका था फॉस्फोलिपिड, आंसर नंबर सॉरी इसमें आंसर आपका माना गया था 38 के अंदर, प्रोटीन इसका राइट आंसर जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया था आपके सामने कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है, बहुत ही बेसिक सा है, सबको पता है साइलेज, सबसे अच्छी जो साइलेज है ये कौन सी क्रॉप की बनती है, ये मेज से बनाई जाती है। कौन सी क्रॉप की बनती है सबसे अच्छी साइलेज, ये मेज से बनाई जाती है। ये देखिए स्टैटिक्स का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, बच्चे बच्चे को पता है -1 से +1, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था यहाँ से स्टैटिक्स का। इस बार स्टैटिक्स के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों में से ये इजी क्वेश्चन ये एक ही था, बाकी 2 ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। अगला जो क्वेश्चन था कि द बल्क ऑफ पावर इज कंसंट्रेटेड ऑफ द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल्स ऑफ द सॉइल कोलोइड्स, ये आपको बताना था, तो इसमें फ्लोकेशन इसका राइट आंसर माना जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही था। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइस के अंदर जो क्रेसेक फेज होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो क्रेसेक फेज होती है किस डिजीज की होती है, ये राइस में याद रखना, बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, आपको बैक्टीरियल ब्लाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इसका राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि साइनालोन डेक्टालोन ये किस प्रकार का वीड है, तो ये किस प्रकार का है, पेरेनियल वीड है, तो सबको पता है जो धूप ग्रास का नॉर्मली अपन जो बात करते हैं, तो धूप ग्रास या जो अपन लोन वगैरह लगाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, तो ये किस प्रकार का वीड होगा, ये आपका पेरेनियल वीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था कि अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप नेचुरली प्रिवेलेंस इन एरिड रीजन ऑफ थार डेजर्ट, तो इसमें आपको बताना था, तो एक
सोलंथिस इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन उठा था, इस बार फॉरेस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। वैसे वेटेज 2 ही क्वेश्चन का था, बट 3 क्वेश्चन आए, 3 में से एक ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा आज बच्चों को डाउट करने वाला क्वेश्चन ये, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई करना था आपको कि फंक्शन एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, तो इसका तो राइट आंसर जाएगा या वो जाएगा आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना था आपको सेल ऑर्गेनेल का विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोटोरेस्पायरेशन, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ईआर ये सबको पता होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका फोटोरेस्पायरेशन के अंदर प्रोसेस में भाग नहीं लेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको बताना था कि जो वाटर फील्ड कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है, तो स्टेटस बताना था उसका कितना रेंज कितनी होती है, तो कितनी होती है इसके अंदर जीरो, देखिए अच्छे से देखना, 0.01 से 0.03 मेगा पास्कल इसकी जो रेंज होती है, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका आया था इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे आपको एक सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस कैन बी डिटरमाइन बाय इवैल्यूएटिंग द, इसका जो आंसर था वो था डेबिटेड टू क्यूरिटी रेशियो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि टिलेज का आपको फादर आपको पूछा गया था, फादर ऑफ टिलेज कौन था, तो कौन था फादर ऑफ टिलेज, ये अच्छा बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, जेथ्रो टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं कि आपको कंपोनेंट बताना था ड्री फर्टिलाइजेशन आर रेनीगेज फ्लेट फान नोजल्स वेंचुरी या हैंड स्प्रेयर, ये कंपोनेंट ऑफ ए ड्रिप जो फर्टिगेशन होता है, फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिगेशन का मतलब होता है कि अपन इरिगेशन के साथ में जो अपन फर्टिलाइजेशन देते हैं उसको फर्टिगेशन बोलते हैं, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट यूज देते हैं वेंचुरी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन था, बाकी बहुत इजी प्रश्न था ये भी। ये आपका फिर से आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन आ गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा होता है, तो नॉन वर्बल कौन सा होता है इनमें, अगर नॉन वर्बल का मतलब जो अपन बोलने के या ओरल हो गया नहीं बताते, अपन जो गेस्टर से अपने या फिर पोस्टर वगैरह होते हैं उनसे जो बताते हैं वो किस में आता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, तो इसका आएगा यूज ऑफ पोस्टर एंड गेस्टर, अपन जो भी आएगा वो नॉन वर्बल के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वॉर्म डिजीज इज ट्रांसवर्सली ट्रांसमिटेड थ्रू, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा पेब्रीन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि जिंक कोटेड जो यूरिया होती है इसमें मिनिमम जिंक परसेंट पूछा गया था कि मिनिमम जिंक कितना होता है, तो कितना होता है इसमें मिनिमम जिंक 2% आपका जिंक होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डाउटफुल रहा था बच्चों को आज के पेपर के अंदर कि क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर जो इसका आंसर माना जा सकता आपके वो है 2% का आंसर माना जाएगा आपके। देखिए अगला अपन क्वेश्चन बात करते हैं 54 की, तो 54 क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था कि विच अमंग दीज इज द होस्ट प्लांट ऑफ कुसुमी स्ट्रेन ऑफ लेक, कि लेक के ऊपर कौन सा होस्ट प्लांट होता है, तो सेकेरियम ओलाइजा फर्स्ट इसका राइट आंसर था, पहला इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ये देखिए आप जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए थे, जेनेटिक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, तो पहला था कि इफ 3 जीन आर सेग्रीगेशन फॉलोइंग मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी ऑब्जर्व्ड इन F2 जेनरेशन, आपको यहाँ पे सेग्रीगेशन का जो रूल होता है उसमें F2 जेनरेशन के अंदर कितने जीनोटाइप ऑब्जर्व होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अंदर 27 कितने होंगे आपके, 27 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन फिर से आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट CD प्रोग्राम आपका कब लॉन्च किया गया था, तो ये कब किया गया था, अक्टूबर 1952 के अंदर है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो डेल्टा थेरीन कौन से केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो देखो ये सिस्टेमिक पायरेथ्रॉइड होता है,
ये यहाँ से अपना बिलोंग करेगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा एंटोमोलॉजी क्वेश्चन आपका कि डेल्टा मिथिलीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है केमिकल से, तो सिस्टेमिक सॉरी सिंथेटिक पाइरीथ्रोइड से अपना बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये जिसका आंसर ऑप्शन फोर्थ था सही नीचे चला गया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा मीडियन, नीचे हो गया वो अगली स्लाइड के अंदर, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो मीडियन आएगा, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसमें आंसर ये आपका स्टेटिक्स का क्वेश्चन था, इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन था, इतना कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन ही नहीं था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो इसका मीडियन इसका राइट आंसर था। चलिए अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच सेगमेंट इन मेल ग्रास ऊपर फॉर्म्स आर जेनेटली सेगमेंट, तो ये कौन से सेगमेंट में होता है, तो ये नाइन्थ एब्डोमल में, कौन से सेगमेंट में रहेगा, ये नाइन्थ एब्डोमल सेगमेंट के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि विच ग्लैंड इन हनी बी प्रोड्यूस रॉयल जेली, कि इनमें से कौन सी किस ग्लैंड के द्वारा रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है, तो लेटरल जो फर्जिनियल ग्लैंड होती है वहां से आपकी रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था आपका, ये एपिकल्चर एंटोमोलॉजी का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि जो डिफ्यूजन इनोवेशन थ्योरी है ये किसने दी थी, इसमें आपके पास में थे जेपी लेगोन्स, ई एम रोगर, रॉयल एंड ग्रॉस और ग्रेबियल एंड ट्रेड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर टू ई एम रोजर्स इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए आज अगर अपन सुबह आपको पता है जेट के बच्चों का भी एग्जाम था, तो वहां पर भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको सोइल से देखने को मिला था, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है कि जो सेलाइन सोइल होती है इनको इसी की आपको यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो सबको पता है कि जितनी भी सेलाइन सोइल होती है इनके अंदर मोर देन फोर, कितना होगा आंसर इसका, मोर देन फोर इसका राइट आंसर माना जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये कुछ एक क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे बोनस लाइक क्वेश्चन थे। ये देखिए फिर से आपका फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो अपने मल्टी स्टोरी सिस्टम आते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम आता है, ये एरिड रीजन के लिए पूछा गया था आपके लिए, किसका क्वेश्चन आया था ये एरिड रीजन के लिए। देखिए एरिड रीजन के लिए याद रखना बेर, केयर और फोग, ये आपका राइट आंसर पेयर बनेगा आपका क्रॉपिंग पैटर्न का, जो एरिड रीजन के लिए पूछा गया था उसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंजाई इज कॉमनली नोन एज, तो इसमें आया था पाइसिनोस्पोरस, ये आपका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, कि बेनिफिशियल कौन सा होता है, तो सबको पता है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था ये। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स में से इस बार आपके दो से तीन क्वेश्चन आपके असेंशियल न्यूट्रिएंट में से क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सोडियम। ये देखिए ये बिल्कुल एलपीएम के आपके तीन क्वेश्चन आए थे, तीन में सबसे इजी क्वेश्चन कि जब मिल्किंग प्रोसेस के अंदर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आप लोगों को देखा होगा कि जब नॉर्मली जैसे गाय भैंस के अपन घरों में इंजेक्शन लगाते हैं, किसके लगाते हैं, ऑक्सीटॉक्सीन के लगाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। ये देखिए ये एकदम आपका जो टेबल आपने देखी होगी ग्रुपों वाली, वहां से क्वेश्चन उठाया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि आपका जो एमाइड ग्रुप होता है हर्बिसाइड का, वो कौन से ग्रुप है एमाइड, इनमें आपका कौन सा हर्बिसाइड बिलोंग करेगा इस ग्रुप से, इसमें जाएगा ब्यूटा क्लोर, कौन सा आएगा इसके अंदर, ब्यूटा क्लोर। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको कितनी बार टेस्टों में भी देखने को मिला होगा कि जो क्लोन जो वेराइटीज होती है इसका जेनेटिक आर्किटेक्चर है वो कैसा होगा, तो इसके अंदर याद रखना हेटेरोजाइगस और होमोजीनस, बच्चे क्या करते हैं जब भी क्लोन की बात करते हैं उसको होमोजीनस और हेटेरोजीनस कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा, हेटेरोजाइगस और होमोजीनस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर दो आपका सही माना जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपको आया था कि द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रासन जोन इज ऑलवेज, तो
तो कौन सा जोन पूछा गया था आपको, तो इसमें आएगा ऑप्शन टू, सेकंड जोन इसका राइट आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन कर रहा है कि राजस्थान के अंदर कैनाल इरिगेशन से जो नॉर्मली जो राजस्थान की अपन बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था केनाल इरिगेशन सोर्स से अपन इरिगेशन करते हैं तो कौन सी प्रोजेक्ट मोस्टली यूजफुल है, तो कौन सा है, चंबल प्रोजेक्ट। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि जो कोकोनट ट्री के अंदर जो ट्रंक, देखो होल इन कोकोनट ट्रंक विथ प्रोड्यूसिंग चेविट फाइब्रेशन मटेरियल एंड ब्राउनिश और इज ए करेक्टरिस्टिक सिंबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बाई विच पेस्ट, तो कौन से पेस्ट में आता है, रेड पाम वेबल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है कोकोनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपका कि मॉइस्ट सॉइल विच आर रिलेटिव टू डार्क हैव लोअर देन ड्राई वंस, इसका जो क्वेश्चन है एक बार अपन इसको रखते हैं यहीं पे, अपन बाद में देखेंगे इसको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर वीट क्रॉप, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। आप सबको पता है कि जो अपन वीट की बात करते हैं अपन, तो वीट के अंदर सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, इसमें वीट के अंदर सबसे जो क्रिटिकल स्टेज होगी वो होगी आपकी CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। और जो पिछला क्वेश्चन अपना रहा था कि मोस्ट सॉइल्स विच आर रिलेटिव डार्कर हैव लोअर देन, तो इसका आंसर एल्बिडो इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि नर्सरी राइजिंग में आपको क्रीप क्रॉप का पूछा था कि क्रीप ऑनियन जो होता है, देखो ऑनियन मोस्टली रबी में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है कि जो क्रीप में अगर अपन ऑनियन लगाएंगे तो उसकी नर्सरी का टाइम पूछा है। देखो क्रीप की जो क्रॉप लगती है मोस्टली कब लगती है, जून जुलाई में क्रॉप लगेगी। कब लगेगी मोस्टली क्रॉप, कब लगेगी, ये जून जुलाई में। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं जून जुलाई में लग रही है, तो वही कि 4 से 5 महीने पहले, 4 से 5 वीक पहले इसकी अपन नर्सरी लगाएंगे, तो बच्चों ने मई और जून आंसर कर दिया। नहीं, आपको पता होना चाहिए ओनियन एक एक्सेप्शन आता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम 6 to 8 वीक आपको ट्रांसप्लांटिंग से पहले सीडलिंग तैयार करने के अंदर अंदर लगते हैं, तो इसका जो आंसर जाएगा वो मार्च अप्रैल माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसका क्वेश्चन का, मार्च अप्रैल, ना कि इसका मई जून माना जाएगा। मई जून बच्चे 4 से 5 वीक सोच के कर रहे थे, वो गलत है। इसका जो आंसर जाएगा वो मार्च अप्रैल है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग आए थे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्च अप्रैल इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए एक बार फिर से आपका असेंशियल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन आ गया कि आयरन जो प्लांट में होता है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो ई गिरिस ने इसकी डिस्कवरी की थी 1843 के अंदर। इस बार असेंशियल क्रॉप में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए साइंटिस्ट था फ्लोर, उसने कॉन्सेप्ट दिया था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये किस क्रॉप के ऊपर उसने वर्क करते हुए दिया था, लिनसीड के ऊपर। किसके ऊपर दिया था, लिनसीड के ऊपर ने वर्क किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था कि जो सीमिट होता है वो कौन से जर्म प्लाज्म को मेंटेन करता है। देखो सीमिट मेज और वीट ट्रिटिकल तीनों के करता है, जिसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर रेनी क्लाउड आर फॉर्मड, कि रेनी क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर रेनी क्लाउड ना फॉर्म होते हैं। देखिए सबसे अच्छा इजी क्वेश्चन आया था आपका, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। हर बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कब स्टैब्लिश हुआ था, ईयर में पूछ लिया गया था, तो ईयर कौन सा है इसका, 74, 1974। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
ये 100% में आशा करूँ सभी बच्चों का सही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्रूसीफेरी के अंदर एक डिजीज लगती है क्लब रोट, ये जो डिजीज है इसको आपको पूछा गया था कम करने के लिए आप किसके एप्लीकेशन का यूज करोगे, तो लाइम का अपन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लाइम का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही माना था। अगला क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन आया था कि आपको जो कंप्रेशन होता है रेशियो, वो डीजल इंजन उसका ऑर्डर आपसे पूछा गया था कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये 14:20:1, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल टेक्सचर क्लासेस एज पर ट्राइंगुलर टेक्सचर डायग्राम इज हेवी हायर सेंड कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंडी लोम, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच एमंग द फ्लोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च बाई ICAR, इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया था, लेब टू लैंड प्रोग्राम, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे इस बार। अगला क्वेश्चन आया था इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग, या देखो शिफ्टिंग या जूमिंग कल्टीवेशन, ये बेसिक पिछली बार भी ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस बार भी वैसा का वैसा क्वेश्चन फिर से आ गया, बस इस बार पिछली बार इन्होंने रीजन दिए थे कि किस रीजन के अंदर होते हैं, तो आपको पता है कि ईस्टर्न इंडिया जो है, ईस्ट पार्ट है ईस्टर्न वाले, वहां पे मोस्टली उगाते हैं, तो देखिए एचपी भी नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे फिर से एक हॉर्टिकल्चर से ही आपके फिर से क्वेश्चन आ गया कि अपन ऑनियन का स्टोरेज करते हैं तो उनमें अपना टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों को एक साथ पूछ लिया। देखिए इसके अंदर आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो 100% है ये दो तो नहीं ही होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, मोर देन 70% है, और जब भी अगर अपन बात करते हैं ओनियन की, अगर इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70% आ जाए वहां पे इसमें क्या होने लग जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए 70 से कम रखते हैं अपन स्टोरेज में, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर जाएगा, 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और इसका RS था 65 से 70 डिग्री, 70%। अगला क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए प्योर लाइन वैरायटी कैन बी मेंटेन बाय, इसमें आया था कि किसके द्वारा मेंटेन करते हैं, तो मास सिलेक्शन के द्वारा। ये देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपका फिर से फॉरेस्ट्री तीसरा क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको फॉर्मूला पूछा था कि प्रेस रिलीज फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन इंक्रीमेंट इज वेयर डी इज डायमीटर आफ्टर एन ईयर, डी इज इनिशियल डायमीटर, तो इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, पी इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन एन, कोष्टक में था D+D, इसका फर्स्ट आंसर है वो सही माना जाएगा आपके। ये देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सबको पता है कहाँ पे है, ये अविका नगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे आया था कि दो आपसे पूछा गया था कि कौन सा कंस्टिट्यूशनल कंपोनेंट होता है बायोगैस के अंदर, तो कौन सा होता है इसके अंदर सबसे, फोर्थ वाला मीथेन एंड हाइड्रोजन। जो क्वेश्चन आया था आपका उसमें अगर आपसे पूछा गया था कि रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोलर क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिंग द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग, तो इसका आंसर आया था लैंड इक्विलेशन इक्विलेंट रेशियो, फर्स्ट इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे ऑब्जर्व बाय द कैस्पियन स्ट्रिप्स वाइल
आर प्रेजेंट इन, इसका राइट आंसर जाएगा आपका एंडोडर्मिस, या आपका पीपीएसवाई का क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोइल सर्वे आर हैव ए ब्रॉड आइडिया अबाउट द मेजर्स ग्रुप, तो इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा रिकॉग्निशंस, ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, विच वन इज ए द बड एंड लीफ निमेटोड, इसका पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि द एल्कलिनिटी इन द एल्कलाइन सोइल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सोइल सोल्यूशन, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही था, Na2CO3, NaHCO3, इसका फोर्थ आंसर आपका सही माना गया था। देखिए अगला कितना अच्छा क्वेश्चन आया था कि जो वाटर डिस्पर्सल होते हैं स्पोर को, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका हाइड्रोक्लोरिनी, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर तीन, इसका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन तीन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आया था कि जो सवारना सब फर्स्ट है किसकी वैरायटी है, तो किसकी वैरायटी है, ये राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आया था, स्प्रोथेसिया रलिसिनिया कोज विच डिजीज इन सोरगम के अंदर, कौन सी डिजीज कोज करता है ये, हेड स्मट, कौन सी करेगा ये, हेड स्मट। अगला क्वेश्चन था कि जो फ्रो ओपनर्स होते हैं वो जीरो टिलर सीड में यूज में लेते हैं, वो कौन से होते हैं, इन्वर्टेड टी टाइप, कौन से होंगे वो, इन्वर्टेड टी टाइप होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन भी हॉर्टिकल्चर से था और लास्ट क्वेश्चन भी हॉर्टिकल्चर से आया था, एक बेर की वैरायटी पूछी थी आपसे जो भरपूर से रिलीज होती है थार सेविका, इसका आपको पेरेंट्स बताने थे, तो इसके पेरेंट्स थे सेब और क्या था, इसके पेरेंटियल थे, तो ये आपके आज के जो पेपर हुआ था पहला उसके आंसर की है। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी बच्चों के लगभग आंसर्स है वो सभी के सही हुए होंगे, जिनको भी अगर आंसर की PDF चाहिए तो वो ग्रुप पे या कहीं पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। बाकी अगर फिर भी देखिए जो आंसर की है ये हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई है, हम बिल्कुल हमें उम्मीद है कि 99.99% बिल्कुल एग्जैक्ट मानी जाएगी, यही आपकी आपको जब AU जोधपुर रिलीज करेगी उसी दिन, तो यही आपको ऑप्शंस के आंसर, क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है, अगर क्वेश्चन एक दो हमें हो सकता है कभी चेंजेस करने को मिले, तो हम आपको बिल्कुल जो अपन कमेंट व्यू रहेगा इसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा, बाकी 100% है कि ये आंसर की बिल्कुल सही आंसर की है। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी बच्चों का लगभग सही पेपर हुआ, और जिनका थोड़ा बहुत पेपर फिर भी लग रहा है कि सर सही से नहीं बैठा, तो अभी भी ऐसा नहीं कि आप PPG के सारे द्वार है वो बंद हो चुके हैं, आपका भी BHU का पेपर आने वाला है और ICAR के अभी तक फॉर्म नहीं भरे के वो भी आने वाले हैं, तो अभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये नहीं कि अच्छा पेपर भी हो गया तब भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और पेपर अगर थोड़ा एवरेज भी हुआ है तब भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और लास्ट बात मैं बताता हूँ कट ऑफ की, देखो बहुत से मिथ है अभी मार्केट में कि कट ऑफ ये रहने वाली है वो रहने वाली है, कट ऑफ जब तक अधिकांश अपन अधिक बच्चों से कॉन्टेक्ट में, देखो अभी दो शिफ्ट में पेपर थे, एक तो सुबह भी पेपर था अभी भी पेपर है, बच्चों का अभी फ्री हुए हैं, तो जब तक हम बच्चों से बात नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं हमें तो इजी लगता है सब कुछ, लेकिन एग्जैक्टली जो बच्चों के बीच में जो माहौल क्या रहता है क्वेश्चंस का, तो वो अच्छे से हम आपको कट ऑफ बताएंगे, तो उस पर अगर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी इतनी कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, अभी आपका पेपर हुआ है रिलैक्स कीजिए और वापस तैयारी के ऊपर लग जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप जरूर अपने ग्रुपों में अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।